एक श्लोक में तीन बार भगवान ने मैं कहा, मैं एक श्लोक में। अहमेवा समेवाग्रे, यह श्लोक है। अहमेवा समेवाग्रे, सबसे पहले मैं था। सबसे पहले यानी काल के भी पहले, काल में आता है ना पहले, पहले माने प्रारंभ में, प्रारंभ के भी पहले मैं था। और नान्यत यत सद असत परम, और जो सत है संसार स्थूल, असत इसका कारण सूक्ष्म, और उससे परे अविद्या, वो भी मैं हूं। और पश्चात अहम, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं रहूंगा, और जब अनंत कोटि ब्रह्मांड समाप्त हो जाएंगे, जो वशिष्यत जो बचेगा गोलोक खाली, तब भी मैं ही रहूंगा। अब एक श्लोक में कितना मैं आ गया, अहम अहम अहम। संसार मिथ्या है, दूध जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक को आप लोग कहते हैं असली दूध और एक को कहते हैं पानी मिलाओ, नहीं क्या नाम उसका होता है, इसमें मक्खन निकाल देते हैं, सपरेटा सपरेटा बोलते हैं, सपरेटा इसका मक्खन वगैरह निकल जाता है, सपरेटा। तो शकल दोनों की एक है, दोनों दूध की शकल एक है, ये भी दूध है वो भी दूध है, एक दूध में घी है और एक में नहीं है, इतना सा फर्क है। तो संसार जो दिख रहा है ये संसार नश्वर है, मिथ्या नहीं है, हाय फैक्ट, लेकिन नश्वर है। और इसमें जो व्याप्त है भगवान वो अविनाशी है, तो जब इसमें भगवान व्याप्त है तो ये मिथ्या कैसे हुआ, दूध में घी है उस दूध को सपरेटा का दूध क्यों कहते हो, उसमें तो घी है। इस संसार में भगवान व्याप्त है, परमाणु परमाणु में व्याप्त है, भगवान के अतिरिक्त कोई संसार बना हो तो बताओ, हाय अगर बना तो किसने बनाया, अब बनाया तो कौन गवर्न करता है, अब नष्ट होगा तो कहां जाएगा, तीन बात सिद्ध करो। ये तो भगवान से निकला, भगवान इसमें है, भगवान में लय होगा, तो मिथ्या क्या है। ये स्थूल जगत जो है ये नश्वर है, मिथ्या नहीं, अनित्य है, भगवान नित्य है, इतना फर्क। ये माया शक्ति के द्वारा गवर्न हो रहा है इसलिए अनित्य है, भगवान का सब काम योग माया से होता है इसलिए वो नित्य है, बस इस बात। एक माया एक योग माया, दोनों को माया कहते हैं। वेदों में माया शब्द का दो दो अर्थ है, कहीं माया का बहिरंगा शक्ति अर्थ किया गया है, कहीं अंतरंगा शक्ति। देखो रामायण में सीता जी जा रही हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, पहले राम उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। तुलसीदास ने लिख दिया ब्रह्म जीव बिच माया जैसी,
सीता को माया बता दिया, माया तो मिथ्या है। सीता को तुम मिथ्या कह रहे हो? ब्रह्म जीव राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव है, अब बीच में सीता माया है, ये कैसे कह दिया? ये योग माया है, माया गूढ़ अर्थ ये है उसका। लेकिन कोई विश्व का रामायण ही जानता है? सब माया अर्थ करते। सीता जी तो माया बता रहे हैं, तो पागलों को गिरा अर्थ जल दीप जी में कहिए तो भिन्न न भिन्न, सीताराम में क्या अंतर है? राम ही तो सीता बने हैं। हम भवान न्यात्म माया, गीता मैं अपनी माया से अपने आप को बनाता हूं संसार में अवतार लेकर के। माया से बनाते हो तो माया का तो संसार बना है, तो माया आपसे आप अपने आप को ही बनाते हैं, तो संसार जैसे नश्वर हो वैसे आप भी नश्वर हो गए। भी माया से जो बनेगा वो नश्वर होगा, नित्य नहीं हो सकता, क्षणिक होगा और उसमें आनंद भी नहीं होगा। संसार में इतने पदार्थ बनाए भगवान ने, किसी में आनंद नहीं रखा, न मनुष्य में, न पशु पक्षी में, न वृक्ष आदि में, न पृथ्वी में, न जल में, न तेज में, न वायु में, न आकाश में, कहीं पर आनंद नहीं रखा और सब कुछ रखा। सत्ता भी है, जीवात्मा नित्य है, ज्ञान भी है, जीवात्मा में ज्ञान शक्ति है, लेकिन आनंद नहीं है। तो माया शब्द का दो अर्थ, वहां योग माया से मैं अपने आप को बनाता हूं और संसार माया से बनाया जाता है। तो माया शब्द जो है दो अर्थ है इसका, एक माया माने पाखंड, एक माया माने कृपा। सब एक है, इसलिए शास्त्रों में जो शब्द लिखे हैं उनका अर्थ केवल भगवान और महापुरुष जानते हैं। पंडित तो उल्टा सीधा अर्थ करेगा व्याकरण देख करके, वो कभी उसकी तह पर नहीं जा सकता।